वर्कर्स ने पीएम मोदी के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किए। उन्होंने ये भी बोला कि हम 2 से 4 पीएम बनाएंगे साल में बेशक, लेकिन हम पीएम मोदी को आने नहीं देंगे। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है, न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी।